नियम 134 के तहत बच्चों को निजी स्कूल दाखिला में दाखिले दिलवाने के लिए अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि निजी स्कूलों में नियम 134 के तहत फार्म भरने के बावजूद कई बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बच्चों के अभिभावक कभी पीईओ बीईओ कार्यालय तो कभी डीसी के दफ्तर व निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है 134 के तहत बच्चों ने परीक्षा भी पूरी कर ली है, लेकिन जिस स्कूल में बच्चों का नंबर आया वहां बच्चों के एडमिशन के लिए आनाकानी की जा रही है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कई बार बीईओ बीईओ कार्यालय तो कभी डीसी के दफ्तर व निजी स्कूलों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। डीसी साहब से मिल लिए, बीओ साहब से मिल लिए, बीओ साहब साथ में चले गए, साथ गए ने बोले भाई चलो मैं तुम्हारा वकील बन के तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा, तारी इमदाद करूंगा। उड़ा जाकर कोई इमदाद नहीं हुई, ना कोई एडमिशन, फॉर्मलिटी थी सब पूरी करके आएगी, हमने वो धक्के खांदे फिरे। उसमें जब हम एडमिशन के लिए गए तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने यही कहा कि SLC लेके आओ। हमने पिछले स्कूल से SLC कटवा ली है, और जब SLC लेके हम बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए कि हमारे यहाँ अभी कोई सीट नहीं है। हम 10-15 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल के, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं है।